बॉलीवुड में साहू के जरिए कदम रखने वाले एक्टर प्रभास फिल्म के पोस्ट प्रमोशन में काफी बिजी हैं। वहीं वो अपनी शादी की खबरों को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि फिल्म बाहुबली 2 की शूटिंग के दौरान प्रभास को करीब 6,000 से भी ज्यादा मैरिज प्रपोजल आए थे, लेकिन उन्होंने सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए थे। लेकिन अब खबर है कि साहू के रिलीज के बाद प्रभास शादी कर सकते हैं। आखिर किससे और कब कर रहे हैं प्रभास शादी, चलिए जानते हैं। बाहुबली फेम एक्टर प्रभास इन दिनों अपनी फिल्म साहू को लेकर खबरों में हुए हैं। फिल्म 30 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म के टीजर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की नींद उड़ा कर रखती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देगी और बाहुबली से बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। भाई यहाँ प्रभास फिल्म की तैयारी में बिजी है तो उधर उनके घर वालों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, यही सुना आपने। खबरों की माने तो फिल्म साहू के रिलीज के बाद प्रभास शादी कर सकते हैं। जी हाँ, बाहुबली को मिलेगी उनकी देवसेना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास की फैमिली चाहती है कि प्रभास को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में प्रभास 40 साल के हो जाएंगे। फैमिली ने तो प्रभास के लिए लड़की भी देख ली है, बस प्रभास की फिल्म साहू के रिलीज का इंतजार है। वैसे हम आपको उनकी होने वाली दुल्हन के बारे में बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि फिल्म बाहुबली की सक्सेस के बाद उन्हें शादी के 6,000 से ज्यादा मैरिज प्रपोज आ चुके हैं और वो सबको इनकार कर चुके हैं। वही बाहुबली और बाहुबली 2 देखने के बाद तो आम लड़की ही नहीं, बॉलीवुड की ब्यूटीज भी प्रभास की दीवानी हो चुकी थी। हालांकि मामला शांत हो गया, क्योंकि प्रभास ने कहा कि अभी उनके पास शादी के लिए टाइम नहीं है। इसी बीच मीडिया में एक बार फिर खबरें तेज है कि प्रभास जल्द ही करोड़पति बिजनेसमैन की पोती से शादी करने वाले हैं। जी हाँ, खबरें ये थी कि प्रभास साउथ के बहुत बड़े बिजनेसमैन भूपति राजू की पोती से शादी रचा सकते हैं। भूपति राजू की फैमिली प्रभास के संपर्क में है। भूपति राजू रासी सीमेंट्स के चेयरमैन हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि रिश्ता लगभग पक्का हो गया है। हालांकि इस बारे में अभी ना तो प्रभास और ना ही उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है। बता दें कि पिछले साल प्रभास के चाचा कृष्णम राजू ने मीडिया को बताया था कि अभिनेता 2019 में शादी करेंगे। शादी के बारे में सवाल पूछने पर प्रभास ने एक इंटरव्यू में कहा था, ये मेरा निजी मामला है और मैं इस बारे में कोई भी खुलासा नहीं करना चाहता। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो प्रभास की बहन ने उनकी शादी के सवाल पर एक वेबसाइट से कहा था, हमारा परिवार भाई की शादी को लेकर काफी सीरियस है। फिलहाल तो वो फिल्मों की शूटिंग में बिजी है तो हमें उनकी शादी की तारीख के बारे में कुछ नहीं पता है। हम उनकी शादी में धमाल मचाने को तैयार हैं। वही कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि प्रभास और अनुष्का शेट्टी का अफेयर काफी वक्त से साउथ इंडस्ट्री में छाया हुआ है और दोनों शादी भी करना चाहते हैं। हालांकि अनुष्का इन तमाम खबरों को अफवाह बता चुकी है। इधर प्रभास की शादी की खबरें फिर तेज हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनली कौन होगी प्रभास बाहुबली की रियल लाइफ देवसेना जो इनके दिल पर राज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।